अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं दोपहर की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। आज मैं बनाऊँगी चिकन कढ़ाई। हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे, 2 प्याज शामिल करेंगे, 1 तेज़पत्ता शामिल करेंगे, दालचीनी, थोड़े से लौंग, जीरा। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहो, मेरी दुआ आपके साथ है। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अब लहसुन शामिल करेंगे, अदरक शामिल करेंगे, प्याज का कलर चेंज हो जाए, 2 टमाटर शामिल करेंगे, 2 मिनट ढक्कन लगा देंगे। अब आलू चिकन शामिल करेंगे, इनको मैंने 2 मिनट बॉईल किया था। दस मिनट इनको भून लेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर शामिल करेंगे, चाट मसाला और हरी मिर्च थोड़ी सी लाल थी वो भी मैंने, 1 चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, इससे इसकी स्मेल चली जाती है, चिकन की स्मेल फिर नहीं रहती इसमें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, फिर ढक्कन लगा देंगे, 5-7 मिनट इसको छोड़ देंगे। अब धनिया शामिल कर देंगे और सालन हमारा रेडी हो गया है।
आज हम लस्सी भी बनाएंगे। इस मौसम में लस्सी बहुत अच्छी लगती है। दोपहर में तो लस्सी पीने में मज़ा ही और है। ये पानी शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे। बस लस्सी हमारी बन गई, बहुत ही ठंडी और अच्छी। आज दोपहर की मैंने पूरी रूटीन आप लोगों से शेयर की है। पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। आज रोटी भी बनाएंगे और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह मैं रोटी बनाती हूँ। बनाने का अलग होता है, मैं इस तरह बनाती हूँ। मुझे जल्दी भी ज़रा हो जाती है और सारे इस तरह बना भी लेते हैं और मक्खन भी लगा लेते हैं पूरी अंदर सबको, चाहे चार बना लो आठ बना लो। इसमें से मैं बहुत ज़्यादा भी बना लेती हूँ, आज मैं सिर्फ तीन बना रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। गरम गरम रोटी हमारी वो भी तैयार हो गई, जिस जिस को खानी है आ जाए। बहुत सारा अपना ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना, प्लीज़ मेरा साथ देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।